मैं मेहमान पांडे आप लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंतर्गत ही ट्रिपल सी की स्पेशल क्लासेस दे रहा हूं, ट्रिपल सी के एग्जाम को देखते हुए। तो आज उसी में मेरा जो टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आज साइबर सिक्योरिटी मेरा टॉपिक है। बिकॉज जो मेरी पिछली क्लास थी वो फ्यूचर स्किल से रिलेटेड थी, उसमें मैंने कमिटमेंट किया था कि फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी को मैं दो पार्ट में करके पढ़ाऊंगा। तो मेरी जो पिछली वीडियो फ्यूचर स्किल्स पर थी उसको यदि आपने ना देखा हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, उसके बारे में मैं कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर कोई इंटरनेट को यूज कर रहा है और साइबर क्राइम से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी को जानना बहुत जरूरी है, इसके लिए अवेयर रहना बहुत जरूरी है। और खासकर ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उनके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा हमारे वीडियोस को शेयर करना आप ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। जैसा कि मैंने बताया ट्रिपल सी का जो एक टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, उसके अंतर्गत हम साइबर सिक्योरिटी को पढ़ा रहे हैं। बिकॉज मेरी जो पिछली क्लास थी वो फ्यूचर स्किल्स पर थी, जिसने भी ना देखा हो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से उसको प्राप्त कर सकता है। हम पहले समझते हैं साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सुरक्षा किसी संगठन के नेटवर्क से संबंधित या उससे कनेक्टेड कंप्यूटिंग उपकरण तथा उसके डेटा को सुरक्षित करता है। इसको सरल भाषा में समझें तो कोई भी संगठन का नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्टेड कोई भी कंप्यूटिंग उपकरण, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपका इंटरनेट या साइबर से कनेक्ट होकर के चलता है तथा साइबर से रिलेटेड जो आपके पर्सनल डेटा है उनको सुरक्षित रखना ही साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। आज के समय में साइबर क्राइम का खतरा इतना बढ़ता जा रहा है, इससे हर उस व्यक्ति या संगठन कर्मचारी सबको इससे खतरा महसूस होता है और एक बहुत बड़ा क्राइम होकर के उभर रहा है। बिकॉज आप इंटरनेट से अगर जुड़ करके कोई भी काम करते हैं तो वहां साइबर क्राइम का खतरा बना रहता है। साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। साइबर से सिक्योर रहने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये आपके गोपनीयता पर हमला करता है, आपकी ईमानदारी पर हमला करता है, आपके जो डेटा उपलब्ध है, जो आपके द्वारा बनाए गए कुछ आपके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं या आपके इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, आपकी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको ये उस पर हमला करता है। तो सबसे फर्स्ट गोपनीयता पर हमला। गोपनीयता का मतलब क्या है, जो ऐसी गुप्त चीजें जैसे आपका बैंक अकाउंट है, आपका कोई पर्सनल डेटा है, आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, उनके इंपॉर्टेंट पिन नंबर या ऐसे गुप्त कोड को ये चोरी कर लेता है जो किसी के द्वारा किसी के हाथ उसको बेच करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये आपके उसकी गोपनीयता पर हमला हो गया। आपकी ईमानदारी पर हमला कैसे हम कह सकते हैं, आपका कोई व्यक्तिगत या आपके व्यापार से रिलेटेड कोई डेटा चुरा लिया जाता है या उसकी जानकारी किसी दूसरे के साथ साझा करना ही उसे लीक करना कहते हैं। लीक बार बार पूछा जाता है साइबर सिक्योरिटी में। तो लीक का मतलब यही है कि आपकी पर्सनल जानकारी, आपके व्यापार से, आपके उद्योग से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट जानकारी को किसी दूसरे के साथ साझा करना या उसको समाज में उजागर करना ही आपका लीक कहा जाता है। तो ये आपकी ईमानदारी पर भी हमला करते हैं। हैकर जो होते हैं आपके पर्सनल डेटा को किसी के सामने उजागर कर देते हैं। तथा उपलब्धता पर हमला। उपलब्धता कहने का मतलब आपका, जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, आप अपनी पर्सनल आईडी ओपन करते हैं, उस पर अपना आप काम करते हैं, मान लीजिए वो आईडी आपकी हैक हो गई तो आपके बैंक अकाउंट को आप अपने आप नहीं खोल सकते बिकॉज उसको हैक कर लिया गया होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों का ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा हैक हो जाता है जिसमें उनको खुद जाने की अनुमति नहीं मिलती, उसके लिए फिरौती मांगी जाती है, उस पर घुसपैठ कर लेते हैं लोग और उस पर फिरौती मांगते हैं। तो बड़े कंपनियां अपने डेटा को प्राप्त करने के लिए काफी फिरौती देती हैं, फिर अपना डाटा प्राप्त करती है। तो आपके उपलब्धता पर हमला कहा जाएगा। तो इस तरह से साइबर जो क्राइम है बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे बचने, हम कैसे बचें उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले अपने पीसी को कैसे सुरक्षित रखें, अपने डेटा को हम कैसे सुरक्षित रखें।
सबसे पहला काम साइबर मतलब इंटरनेट हो गया। इंटरनेट पे हम काम क्या करते हैं, अपना ब्राउजर ओपन करते हैं और उस पर हम अपना यूआरएल डालते हैं, कोई भी एड्रेस, कोई भी वेब एड्रेस डालते हैं। तो हम सबसे पहले कोई ऐसा आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, आपका गुप्त, कोई ऐसा पर्सनल, आप अपना कुछ यूज कर रहे हैं, आप बैंक से रिलेटेड कोई भी अपना खाता या नेट बैंकिंग का वर्क कर रहे हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान करें कि जो आप प्रोटोकॉल यूज करते हैं यूआरएल पे, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप कभी भी HTTPS को ही यूज करें। HTTPS क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इससे हैक होने का या साइबर क्राइम का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल के थ्रू आप वेबसाइट डालते हो या URL देते हो वो आपका सिक्योर होता है। दूसरी चीज, आपके पास कोई ऐसी मेल आई है, कुछ ऐसा अटैचमेंट है जो अननोन मेल से आया हुआ है, तो उस अटैचमेंट को आप कभी भी ना खोलें। ऐसे आप अननोन ईमेल को कभी भी या उसके अटैचमेंट को ना ओपन करें जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। तो इस तरह से भी आप साइबर से सुरक्षित रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप समझें कि आप अपने डिवाइस को या जो एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं उसको आप समय समय पर अपडेट करते रहें। बिकॉज अपडेट करने से क्या होता है कि उसकी पावर बनी रहती है, जो प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपका पावरफुल रहता है और आपको कंप्लीटली प्रोटेक्ट करता है, तो साइबर क्राइम से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट आप समझें कि आप अपने डेटा का बैकअप समय समय पर लेते रहें। बैकअप क्या है, बैकअप लेने से क्या फायदा है कि यदि आप डेटा का बैकअप लेते रहेंगे तो डेटा के एग्जेस होने का, डेटा के चोरी होने का डर कम हो जाता है, बिकॉज ये डेटा आपके पास पहले से स्टोर्ड होता है। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, तभी आप साइबर से सुरक्षित रख सकते हैं, साइबर क्राइम से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट, आप ब्राउजर की सेटिंग्स को आप एडजस्ट करें, उसकी सेटिंग से वो चीजें हटा दें, कहने का मतलब हिस्ट्री को आप डिलीट कर दें या आप जो कुकीज होती हैं उन सबको बंद कर दें। वैसे जो ब्राउजर है वो उसमें हैक होने जो आपके सिस्टम को या आपके डेटा को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होती हैं, ऐसी सेटिंग्स को पहले से ही वो डिफॉल्ट तरीके से बंद होता है। लेकिन यदि कुछ चीजें ओपन हैं तो उसे आप जाकर के वहां से डिसेबल कर दें, जिससे आपके वेबसाइट या आपके डेटा का हैक होने के चांसेस कम हो जाए। तथा मैंने भी आपसे कहा कुकीज हिस्ट्री ये क्या है, जैसे हम कहीं भी किसी साइबर कैफे में जाते हैं और या कहीं ऐसे दूसरे सिस्टम पर अपना काम करते हैं तो हम केवल लॉग आउट करके बाहर आ जाते हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस ब्राउजर पर काम कर रहे हो उसमें उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री हो, उसके जो कुकीज हो या उसमें जो बार बार पॉपअप आते हैं उन सबको आप डिलीट हटा दें। पॉपअप को सेटिंग से जाकर के बंद भी किया जा सकता है, बार बार CCC में पूछा जाता है कि आप पॉपअप को आप बंद कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, तो हाँ उसको हम डिसेबल कर सकते हैं। तो पॉपअप को आप बंद कर सकते हैं, कुकीज को और हिस्ट्री को आप डिलीट कर दें। तथा जिस टैब को आप, जिस टैब पर काम कर रहे हो उस टैब को भी आप बंद कर दें, तो साइबर क्राइम से बच सकते हैं या ऐसे हैकर से बच सकते हैं जो आपके द्वारा किए गए काम, क्योंकि टैब आप बदलते रहते हैं तो जिस टैब पर आपने लॉग इन किया होता है उस टैब को खोल करके लोग अपना काम कर लेते हैं। तो इसके नाते आप जितने भी टैब को यूज किए हो लॉग आउट करने के बाद वो सारे टैब आप बंद कर दें, हिस्ट्री को डिलीट कर दें, तो कहीं आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं या इस टाइप के किसी हैकर से आप बच सकते हैं जो जो आपके पर्सनल डेटा को हैक कर सकता है। अब हम देखते हैं, एक सिस्टम को बचाना है तो हम क्या करते हैं, वायरसेस जैसे तो हो गया हैकर से हम बचा सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम पर वायरसेस का अटैक होता है फायरवॉल को भी हम इनेबल कर लें। फायरवॉल क्या करता है, वायरसेस एंटीवायरस डालने से पहले ही फायरवॉल एक सेटिंग होती है उसको अगर हम एक्टिवेट करते हैं, फायर मतलब होता है आग, वॉल मतलब होता है दीवार, मतलब एक ऐसी आग की दीवार आप कर देते हो। कहने का मतलब ये है कोई आग की दीवार उसमें नहीं आती, मतलब इसका ये वर्क है कि जो आपके सिस्टम या आपके डेटा को नुकसान पहुंचाने वाली बस चीजें हैं या प्रोग्राम है उनको वो आने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। ये इंटरनेट और आपके डिवाइस के बीच में वो दीवार होती है जो ऐसी जो आपके सिस्टम को हार्म पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, वो डेटा या उस टाइप के सॉफ्टवेयर को या उस प्रोग्राम को इन ही नहीं होने देता, उस प्रकार के मेल को आने नहीं देता। उसके बाद वायरसेस से बचने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीवायरसेस वायरस से बचने के लिए, वायरसेस जैसे आपका मेलवेयर है, रैंसमवेयर है, आपका ट्रोजन है, इस टाइप के बहुत सारे वायरसेस होते हैं, उनसे बचने के लिए हम एंटीवायरस प्रोग्राम को, स्पाइवेयर प्राइवेट प्रोग्राम को हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं जो आपके सिस्टम को वायरस के अटैक से बचाते हैं। मार्केट में कई टाइप के
एंटीवायरसेस अवेलेबल हैं, जैसे आपका K7 है, क्विक हिल है, गैर्जियन है, कैस्पर स्काई है, मैकेफे है, नॉर्टन है, इन टाइप के बहुत सारे एंटीवायरसेस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिससे आप अपने सिस्टम को सुरक्षित रख सकते हैं। एक काम आप और कर सकते हैं, अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप पासवर्ड के द्वारा भी अपने डेटा को आप सुरक्षित रख सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को आप सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी फाइलों पर इंक्रिप्शन लगा करके अपनी फाइल को आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो साइबर से या किसी भी प्रकार से, चूंकि हम नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ी हुई जो डिवाइसेज यूज करते हैं या हम कोई भी कंप्यूटिंग उपकरण यूज करते हैं तो उसमें डेटा के चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के माध्यम से, इसलिए वो हमारे डेटा चोरी ना हो सके। तथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है जिसे हम VPN करते हैं, VPN कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसके द्वारा आप बहुत अच्छे तरीके से अपने सिस्टम को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ये ऑप्शन है जिनके माध्यम से हम अपने PC को, अपने डेटा को साइबर से सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं अपने हम मोबाइल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, बिकॉज मोबाइल फोन जो आज हमारा है वही एक मिनी कंप्यूटर है, एक पाम टॉप कंप्यूटर, उससे ही हम सारा काम कर लेते हैं। तो हमारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप की सुविधा नहीं है तो मेरा मोबाइल ही एक पाम टॉप कंप्यूटर, जिससे आप कंप्यूटर का पूरा काम कर लेते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो डिजिटल वर्क हम करते हैं, जो कैशलेस वर्क करते हैं, जो ट्रांजेक्शन का काम करते हैं, अपना पर्सनल डेटा हम व्यवस्थित रखते हैं, या कोई भी ई टिकटिंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स का वर्क मोबाइल के माध्यम से ही करते हैं, तो उसको भी सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं उसमें भी फॉलो की जा सकती हैं। तथा ऐसे छोटे ऐसे ऐसे एप्स हैं जिनके जिनको अगर आप इस सिस्टम में इंस्टॉल करके रखते हैं तो किसी भी वायरस अटैक से या जैसे हैकर्स से आप बच सकते हैं। जो साइबर क्राइम होता है उससे आपको बचाता है, आपकी साइट्स को, आपके प्रोग्राम्स को, आपके पर्सनल डेटा को हैक होने से बचाता। तो कुछ ऐसे एप्स आते हैं जो आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशंस को, आपके किसी भी ट्रांजेक्शन को बड़े ही सिक्योर ढंग से करते हैं। सिक्योरिटी का ऑप्शन भी होता है आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर, आज के टाइम में इतने जो महंगे फोन्स आ रहे हैं उसमें सिक्योरिटी का ऑप्शन ऑटोमेटिक अवेलेबल होता है, जिससे आपको समय समय पर क्लीनअप करना चाहिए, अपने डेटा का बैकअप लेते रहना चाहिए। तथा समय समय पर आपका जो बैंक अकाउंट, आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये ऐसी इसमें जो गुप्त कोड होते हैं, जिसके पिन होते हैं, उसको आपको समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए, पासवर्ड को आपको चेंज करते रहना चाहिए, जिससे कि हैक होने के चांसेस या डेटा के चोरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो सॉफ्टवेयर, जो ऐप आप यूज करें वो एक रजिस्टर्ड ऐप यूज करें। UPI वगैरह के लिए जो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं वो आप रजिस्टर्ड ऐप को यूज करें, जिससे आप एक सुरक्षित, एक सिक्योर ट्रांजेक्शन कर सके। तो आपके मोबाइल का, आपके सिस्टम का, आपके डेटा के हैक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, आपके डेटा चोरी होने के चांसेस कम रहते हैं। एक सुरक्षित भुगतान के लिए, सुरक्षित लेन देन के लिए आपको एक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन को ही अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। उससे बड़ी चीज आपको मैंने बताया कि अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को, अपने OTP को, OTP मैंने पिछली क्लास में बताया वन टाइम पासवर्ड, OTP को या ऐसे अपने गुप्त कोड को, पिन कोड को, अपने ATM कार्ड या डेबिट कार्ड के पिन को, जिसे हम गुप्त कोड कहते हैं, या CVV नंबर, ऐसे नंबर्स किसी के साथ शेयर ना करें। अपने UPI नंबर को किसी के साथ शेयर ना करें। यदि आप उसको लगता है कि वो मेरा किसी के द्वारा जाना जा चुका है तो आप उसको समय रहते हुए चेंज कर लिया करें, जिससे आप पे हैक होने के, आपके सिस्टम के, आपके डेटा के चोरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपके अकाउंट सुरक्षित रहते हैं। तो इन सब सारी चीजों से आपको अपने डेटा को, अपने डिवाइस को, अपने पर्सनल डेटा को आप सुरक्षित और सिक्योर रख सकते हैं। तो कुछ ये तरीके हैं, इस तरीके से आप अवेयर रख सकते हैं और अपने सिस्टम को, अपने डेटा को, अपने पर्सनल डेटा या कंपनी के डेटा को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जानकारी मैंने आपको दी, आपको वो सारी जानकारी अच्छी लगी होंगी। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें। तथा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।